नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 20 जनवरी 2022 आज के लव राशिफल के बारे में। आज आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। दोस्तों, लव राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा लव राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों, आज चंद्रमा सुबह 8:23 पर राशि परिवर्तन करेंगे, कर्क से निकल करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि के चंद्रमा रहेंगे। आश्लेषा नक्षत्र सुबह 8:23 तक रहेगा, तत्पश्चात मघा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। किस प्रकार का प्रभाव आपके लिए चंद्रमा देंगे, आइए जानते हैं। बात करेंगे राशिफल की। राशिफल में हम बात करते हैं सबसे पहले राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास इसलिए और हो जाता है क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ से पंचम में जा रहा है और विशेष रूप से स्थितियां दर्शाती हैं, क्योंकि एक तो गुरु का पूरा प्रभाव, गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने की वजह से आपके लिए आज सुबह से ही स्थितियां अच्छी बनती हुई नजर आएंगी। आपको बहुत अच्छे व्यक्ति आपके साथ में बातचीत करेंगे, एक बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल बनेगा और दिन बहुत अच्छा बीतेगा। सबसे अच्छी स्थितियां उन लोगों के लिए हैं जो किसी के साथ में एक तरफा प्यार में हैं, वन साइड लव करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बन जाएंगी। खास करके आपके लिए चतुर्थ से पंचम में चंद्रमा यानी कि आपके पार्टनर की भावनाएं अब आपके सामने होंगी, पार्टनर की फीलिंग आपके सामने होंगी। जो व्यक्ति आपका क्रश है उसकी पूरी जो मन की भावनाएं हैं वो आपके सामने प्रकट होंगी। आज विशेष रूप से आज के दिन लव लाइफ में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो कॉन्टैक्ट में आने की स्थिति बनेगी। अगर पार्टनर से खुद से आप कॉन्टैक्ट बंद कर दिया है, पार्टनर से बात करना बंद कर दिया है, तो उसकी ज़्यादा याद आने वाली है। आज अधिक मात्रा में आपकी लव लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और सबसे ज़्यादा स्थितियाँ अच्छी उन लोगों के लिए हो जाएंगी जो लव मैरिज को लेकर के बातचीत करना चाहते हैं, फैमिली को मनाना चाहते हैं, उनके लिए विशेष और बेहद खास स्थितियां बन रही हैं। अधिक मात्रा में आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर से आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा और काफ़ी सामंजस्य भी रहेगा। इसलिए यहाँ पर आपके लिए देखा जाए तो बृहस्पति की स्थितियाँ और चंद्रमा का ये संबंध पूरी तरह से आज अपने पार्टनर से आप जो भी उम्मीद करेंगे वो पूरी होंगी और जो भी आप उन्हें जिम्मेदारी देंगे वो भी बखूबी वो निभाएंगे। बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा प्रतिबद्धता देखेगी उनकी और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों के प्रति जिम्मेदारियों को लेकर के आपको उन्हें कुछ कहना नहीं पड़ेगा। जितने जिम्मेदार आप खुद अपने आप को मानते हैं उससे अधिक आज आप अपने पार्टनर को देखने वाले हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में देखा जाए तो यहाँ पर स्थिति खराब हो रही है, यहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ चीट कर सकते हैं, कुछ गलतफहमियों के कारण भी पुरानी गलतफहमियां भी उग्र रूप ले सकती हैं जिससे परेशानी बढ़ सकती है, ये स्थिति रहेगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आपके लिए काफ़ी खास स्थितियां बन रही हैं। यहाँ पर आपके लिए कोई इमोशनल हो सकता है या आप किसी के लिए इमोशनल हैं, कोई आपको वेट करवा रहा था तो हाँ बोल सकता है। आज के दिन आपके पार्टनर के साथ में आप मुलाकात कर सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की स्थिति सामान्य है लेकिन मैरिड लाइफ की स्थिति बेहद खास है। मैरिड लाइफ में आपको पार्टनर का काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी इमोशनल भी दिखाई देंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन पार्टनर आपका दिल दुखा सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपको बातों को लेकर के लेक्चर दे सकते हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा हर्ट हो सकता है, ये स्थिति है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, आज के दिन विशेष रूप से आप सिंगल हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आज आपके साथ में कोई अगर नया व्यक्ति दोस्ती में आएगा तो वो आपके साथ में पहले विश्वास में बहुत ज़्यादा कमी होगी। तो अगर कोई दोस्त बना रहे हैं तो एक दूसरे पर पहले भरोसा हो जाने दीजिए, उसके बाद में ही दोस्ती के लिए कहिए, क्योंकि भरोसे की कमी के कारण आज हो सकता है कि दोस्ती बनते बनते टूट जाए या बनते बनते कुछ स्थितियाँ खराब हो जाएँ, या आपका कोई दोस्त है तो उससे भी कहीं ना कहीं विश्वास की कमी की वजह से रिश्ते खराब हो सकते हैं। आज के दिन आपकी लव लाइफ में पार्टनर से आपको काफ़ी प्यार मिलेगा और मैरिड लाइफ में ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे होंगे, गलत फहमियाँ दूर होंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप नो कॉन्टैक्ट में जा सकते हैं और आज दिन आपके लिए खराब
बीतेगा आपके लिए एक्स्ट्रा मेटल अफेयर में, ये स्थिति है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप अपने उदास और अकेलेपन से निकल करके किसी से बातचीत के लिए नए नए अवसर आप खोजेंगे और आपके लिए वो मिलेंगे भी। लेकिन यहाँ पर आपको वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना है, अपने इमोशनल स्वभाव को थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना है, यानी चीज़ों को जो आपके अंदर जो दुख तकलीफ या जो भी चीज़ें आपके साथ में घट रही हैं उनको लोगों के साथ में किसी अनजान व्यक्ति से शेयर करने से बचना चाहिए। आज के दिन आपकी लव लाइफ में पार्टनर आपकी फैमिली बातों से परेशान हो सकता है, इसलिए फैमिली की बातें ना करें। फैमिली की बातें करेंगे तो हो सकता है कि आपका आज ब्रेकअप भी हो जाए या पार्टनर कोई थर्ड पार्टी की बात करके आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की स्थिति सामान्य रहेगी। मैरिड लाइफ में आपको पार्टनर से कुछ बातें छिपाना भारी पड़ सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा चालाकी दिखाएंगे और बात बात पर झूठ बोलते हुए नजर आएंगे, कुछ बातें छिपाने की कोशिश भी करेंगे जो कि आपको पता लग सकती हैं, जिस वजह से आपका झगड़ा हो सकता है, ये स्थिति है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आपके लिए विशेष रूप से यहाँ पर अकेलापन और बहुत सारी जो अच्छी दोस्ती थी जिसके साथ में आप जहाँ पर अपना समय दे रहे थे वहाँ से दोस्ती खत्म होते हुए नजर आएगी और उम्मीदें टूटती हुई नजर आएंगी। आज के दिन आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन सकते हैं और बहुत ज़्यादा अकेला फील करेंगे आप। लव लाइफ में भी आपके पार्टनर होते हुए भी आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, आप बहुत ज़्यादा अकेले से पड़ जाएंगे। आज के दिन आपको पार्टनर पर ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए और विश्वास तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी चीज़ को लेकर के आप उनके ऊपर ही निर्भर हैं तो यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। सबसे ज़्यादा मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर पुरानी बातों को लेकर के टॉर्चर करेंगे, दिन बहुत ज़्यादा बुरा बीतेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आज कुछ झूठे वादे करने वाले, उन झूठे वादों पर भरोसा करने से बचना चाहिए, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, आपके लिए आज के दिन खास करके लोगों के साथ में बहस और झगड़े की स्थिति बनेगी। लव लाइफ में पार्टनर के साथ में मतभेद होंगे और बहुत ज़्यादा खर्चा भी होने वाला है। यात्रा करते समय बहुत ज़्यादा, मैरिड लाइफ में यात्रा का प्लान बनाते समय या यात्रा करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि अगर आप दोनों की बात तीसरे को कुछ भी भनक लगी तो आप दोनों के बीच में झगड़े और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आप दोनों के झगड़े में कोई तीसरा ना आने पाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित काम आपके बहुत ज़्यादा उलझ सकते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा डाइवोर्स की स्थितियाँ उलझने वाली बन सकती हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन पार्टनर से आपको काफ़ी प्यार मिलेगा, यहाँ पर आपकी मुलाकात हो सकती है, घूमने फिरने जा सकते हैं, विदेश यात्रा हो सकती है, ये स्थिति है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में आपका एक नई स्थिति, एक नई शुरुआत की स्थिति बनेगी और बहुत ही नए नए लोगों से संबंध स्थापित होंगे। आज के दिन आपके लिए लव लाइफ में बहुत ज़्यादा पार्टनर से फ़ायदा दिखने वाला है, पार्टनर से कोई गिफ्ट उपहार भी मिल सकता है और आज के दिन आप पार्टनर के साथ में बहुत ज़्यादा समय भी बिता सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की स्थिति भी सुधरने वाली है और बहुत अधिक मात्रा में आपकी मैरिड लाइफ में आप जो गलती करते आए अभी तक उस गलती का खामियाजा आज आपको भुगतना पड़ सकता है। कुछ झूठ आपने बोले थे पार्टनर से, उनको लेकर के आपके बहुत बड़े इशू हो सकते हैं, जिस वजह से आपकी फैमिली की इज्जत भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपके पार्टनर से बहुत सारी आपकी ऐसी बातें होने वाली हैं जिससे आपको बहुत तकलीफ होने वाली है और बहुत ज़्यादा आपको हर्ट करने वाले हैं, ईगो बहुत ज़्यादा दिखाने वाले हैं, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा, लेकिन आज के दिन आपकी लव लाइफ में आपका पार्टनर आपको इग्नोर करेगा। आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम होगी, थर्ड पार्टी के साथ में आपके पार्टनर बातचीत करते हुए नजर आएंगे, किसी कार्य में व्यस्त होते हुए नजर आएंगे, वो आपकी याद बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको उनकी याद आएगी, वो आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके लिए मैरिड लाइफ में भी स्थिति आज नज़रअंदाज करने की है। आप अगर खुद से चीज़ों को नज़रअंदाज करें तो आपके लिए अच्छा है, नहीं तो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर सकती हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, नई शुरुआत की स्थितियाँ बनती हुई नजर आ रही हैं और कोई आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है, ये स्थिति है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं धनुराशि वालों की। धनुराशि वालों, आज के दिन आपके लिए सुबह से ही स्थितियाँ बेहद खास हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा
कोई भरोसा दिलाने के लिए कोशिश कर रहा था, या आप किसी को प्रभावित करने के लिए, इम्प्रेस करने के चक्कर में उसे भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भरोसा दिलाने में कामयाब हो जाएंगे और अधिक मात्रा में आपके लिए स्थिति बनेगी कि आपकी मैरिड लाइफ और लव लाइफ में स्थितियाँ सुधरने वाली, लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जरूर थोड़ी बहुत मतभेद की स्थिति नजर आएगी, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एहसान दिखाने वाले हैं, उन्होंने आपकी जो मदद की है उस चीज़ को लेकर के आपको टॉर्चर करने वाले हैं, तो आज दिन बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है, ये स्थिति है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें पता लग सकती हैं जिससे आप खुद से ही बहुत उदास और अकेला फील करेंगे। लव लाइफ में आपका ब्रेकअप हो सकता है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, और मैरिड लाइफ में कुछ छिपी हुई बातें आपको परेशान कर सकती हैं, उन बातों का आंसर जानते हुए आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप कोई भी बात, अगर किसी प्रकार से कोई शक होता है, कोई गलतफहमी बनती है, उसको लेकर के कोई जल्दबाजी में निर्णय ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आपके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा खराब हैं। आज लोग आपसे बहुत ज़्यादा आपकी कमियों को ज़्यादा ध्यान देंगे और इसी वजह से आपसे लोग इम्प्रेस नहीं होंगे, और जो आपका दोस्त है वो भी आज बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेस करेगा, बहुत ज़्यादा परेशान करेगा और डिमोटिवेट करेगा चीज़ों को लेकर के, जिससे आपको उससे भी पीछा छुड़ाने का मन करने लगेगा। आज के दिन आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर शादी का प्रपोजल दे सकते हैं, शादी का कमिटमेंट दे सकते हैं। आज के दिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की स्थिति भी सुधर सकती है, आपके खास करके कुछ दोस्तों की मदद से भी स्थितियाँ सुधर सकती हैं। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर पुरानी गलतियों को लेकर के आपको टॉर्चर कर सकते हैं, जिससे आप दोनों के बीच में तनाव बढ़ सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपके लिए पार्टनर का काफ़ी सहयोग देखा जाएगा, जिससे आपका दिन अच्छा बन जाएगा, ये स्थिति है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आपके लिए, अगर किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो खुद सिंगल नहीं होगा लेकिन आपके साथ में झूठे कमिटमेंट करके आपको उलझाना चाहेगा, लव लाइफ में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम नजर आएगी और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी आपकी बहुत ज़्यादा बहस होने वाली है। मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से कोर्ट कचहरी तक बातें पहुंच सकती हैं और कोई आप दोनों के बीच में तीसरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा होगा, आज इस बात का एहसास आपको हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको अपनापन दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको खुश करने की कोशिश करेंगे और आपके साथ में कोई गिफ्ट उपहार भी आपके साथ में कुछ अच्छी बातें शेयर कर सकते हैं, ये स्थिति रहेगी। दोस्तों आज के लव राशिफल की, अगर आपको आज का लव राशिफल पसंद आया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।